स्लीप वॉकिंग के बारे में, नींद में चलना, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। विशेषतः बच्चों को, बच्चे हमारे पास में लेके आते पेरेंट्स लोग, और उनको प्रॉब्लम रहता है कि नींद में चलना। यूजली वो नींद लगने के बाद 15 मिनट से लेके 120 मिनट, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर वो उठ जाते हैं, और उठने के बाद में कुछ अलग अलग हरकतें वो करेंगे बच्चे। नींद में चलना, उसकी स्कूल की बैग उठाना, उसमें से किताबें निकालना, जैसा पढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है या स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है, या फिर कुछ तो भी ढूंढना, घर में कोई चीज़ें ढूंढना, खुद के कपड़े या पेन या फिर स्कूल के कोई मटेरियल ऐसा ढूंढना, या कुछ खाना, किचन में जाना, कुछ तो भी खाने का ले लेना। कभी कभी कुछ लोग घर के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग व्हीकल लेके निकल भी जाते बाहर। ये अवस्था में उसको यदि उठाने की कोशिश किया तो वो जल्दी उठता नहीं, जागृत अवस्था में आता नहीं, समझो पूरा उठा लिया तो वो कन्फ्यूज बिहेवियर उसका रहेगा। जब वो उसके साथ में, वो व्यक्ति के साथ में बातचीत करने की अपन ने कोशिश किया तो वो क्या बोलता है अपने को समझ में आता नहीं, ऐसे कुछ तो भी पुट करते रहता है वो, उसकी भाषा अपने को समझती नहीं है, क्लियर बातचीत नहीं करता। और इधर ही उसको बोल दिया कि सो जाओ, ऐसा बोल दिया, उसको ऑर्डर दिया कि सो जाओ, अभी उठने का नहीं है, तो वो व्यक्ति सो जाता है, ज़्यादा झंझट नहीं करता, और सो जाएंगे और उसको गहरी नींद आ जाती। सुबह उठने के बाद में जब उसको पूछा कि भाई रात को क्या हुआ, तो उसको याद कुछ भी नहीं रहता है। अब ऐसे व्यक्ति का करना क्या है, ये हमारे पास में जब बच्चे लेके आते हैं पालक वर्ग, तो एक तो क्या है कि उनको जो मैंने मेरे अलग वीडियो में बताया स्लीप हाइजीन के बारे में, तो स्लीप हाइजीन में कि 12 टिप्स जो है अच्छी नींद की, वो 12 टिप्स का पालन उन्होंने करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उनको सेफ जगह पे सुलाने का है कुछ दिन तक, कि जहाँ से वो उठ के जल्दी से जल्दी उतर के बाहर नहीं जा सके। फिर घर से, घर में अंदर से लॉक करना, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा, लॉक करना, या कोई आसपास में ऐसे कोई तीक्ष्ण हथियार या कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं रखने का है। बहुत ही ज़्यादा है तो कम मात्रा में कोई दवाइयाँ, बेंजोडाइजेपिन जो आती है वो हम दे सकते हैं, जिससे कि वो अच्छे उसको गहरी नींद आ जाएंगे और उससे उसकी मुक्तता हो जाएगी। तो ये इसका पालन करें तो ये जो प्रॉब्लम है स्लीप वॉकिंग का, ये स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकता है। प्रॉब्लम इसमें यही होता है कि वो किसी को इंजोर, खुद को या किसी को इंजुरी ना करे, अक्सर होती तो नहीं मगर कुछ बोल सकते नहीं है, इसलिए उसका इलाज करना बहुत जरूरी है और उसको लाइटली नहीं लेना जरूरी है। अच्छा, इससे होता क्या है कि दिन में उसको नींद आती है फिर, क्योंकि रात को बराबर नींद होती नहीं है, एक दो बार तीन बार ऐसा उठा दिन में नींद नहीं आती, दिन में स्लीपी स्लीपी लगता है, फिर बच्चा उस नींद में उसको अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में होता नहीं, दिन में नींद आती है तो पढ़ाई में वो पीछे हो जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स है, इसलिए ये जो स्लीप वॉकिंग है इसका इलाज करना जरूरी है। यूजली माँ बाप ऐसे बोलते हैं ठीक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, मगर बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, हो सकता है बड़ा होने के बाद में, ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद में आप ही अब ठीक होता है, हो सकता है, बड़े लोग भी चलते हैं नींद में, मगर उसका इलाज यदि किया तो जो प्रॉब्लम्स है स्लीप वॉकिंग से, वो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सकता है, पढ़ाई में अच्छा आगे बढ़ सकता है और अच्छी तरक्की कर सकता है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।